अब हम लोग एक फॉर्मूला देखने वाले हैं जो अगले एक्सरसाइज में इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। वैसे तो अगले एक्सरसाइज में और भी फॉर्मूले यूज होंगे जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले एक्सरसाइज के लिए, तो इसे पहले हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू में एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में उसका अवकलज दिया हो, कोई फंक्शन हो और उसके साथ उसका अवकलज दिया हो, तब इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा e टू द पावर x इंटू में वह फंक्शन हो जाएगा और प्लस में c। तो ध्यान रखना होगा कि बाहर e टू द पावर x हो और उसके साथ इंटू में फंक्शन हो और प्लस में उसी के साथ आपका उस फंक्शन का अवकलज हो, तो इसका फॉर्मूला e टू द पावर x एफ एक्स हो जाता है। तो कैसे यह होता है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो e का पावर x एफ एक्स डी एक्स और प्लस फिर हो जाएगा e का पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। चलिए तो इसको u इंटू वी पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो जाहिर सी बात है यह एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट तो लास्ट में ही आता है, आई लेट वाले मेथड पे चलोगे तो आई लेट वाले मेथड पर, यानी कि u आपका यह फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा और ये e टू द पावर x जो होगा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स आपका u है और इंटू में e टू द पावर x जो है आपका भी है, फिर प्लस e टू द पावर x इंटू में एफ डैश एक्स, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहाँ पे चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आ जाएगा एफ एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन देके डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद करके फिर आपका डी एक्स, इसका काम हो गया। प्लस में इसको लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू में एफ डैश एक्स डी एक्स। चलिए अगले स्टेप में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है e टू द पावर x एफ एक्स माइनस, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में, तो इसे मैं एफ डैश x लिख सकता हूँ और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा और प्लस में फिर है e टू द पावर x एफ डैश x डी एक्स और प्लस में c कॉन्स्टेंट, ये आपका इससे कट जाएगा, देखो तो सेम ही है ना जी। चलिए यानी कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस में c आ जा रहा है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा ये फॉर्मूले को कि अगर e टू द पावर x बाहर हो और इंटू में उसके साथ कोई फंक्शन और प्लस में उसका अवकलज दिया हो, फंक्शन के साथ उसका अवकलज दिया हो, तो उसका फॉर्मूला e टू द पावर एफ एक्स e टू द पावर x इंटू एफ एक्स हो जाता है। जैसे अब देखो मान लो इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है e टू द पावर x इंटू में साइन x प्लस में कॉस x, तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x साइन x प्लस c, सोचने वाली बात ही नहीं। तो बड़े ही आसान तरीके से हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हो e टू द पावर x और इंटू में आपका दिया हो यहाँ पर मान लेते हैं x माइनस वन बटा में x स्क्वायर ऐसे दिया हो, तब क्या सोचोगे। तो देखो इसमें अभी हमें इस फॉर्म में सेट करना होगा, करेंगे कैसे e टू द पावर x x बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग डिवाइड करके, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए e टू द पावर x ब्रैकेट में वन बाई एक्स और यहाँ पर प्लस हम माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यह है वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं ना जी, इसका डिफरेंशिएशन यह है यानी कि e टू द पावर x इंटू में वन बाई एक्स प्लस सी इसका आंसर, यानी कि e टू द पावर x बाई एक्स प्लस सी इसका आंसर हो गया, समझ गए ना, e टू द पावर x बटा में x पूरे के बटा में x और प्लस सी इसका आंसर हो गया, समझ गए ना। तो आपको ध्यान रखना होगा अगर इस फॉर्म पे नहीं होगा, अगर इस फॉर्म पे नहीं हो e टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इस फॉर्म पे नहीं हो तो हमें उसको चेंज करना होगा दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ, उसमें अपने प्रॉपर्टी का यूज करके जितना भी अभी तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट वगैरह जानते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसके ट्रांसफॉर्म पढ़ना होगा कि इंटू में वो फंक्शन और प्लस में उसके उस फंक्शन का अवकलज दिखाई दे, तभी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसी फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यार हम लोग जब एक्सरसाइज में चलेंगे वहां क्वेश्चन को देखेंगे बनाएंगे समझेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। आप हमारे चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को सब्सक्राइब कर लेंगे, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा जिसके बारे में आप जानते ही हो, है ना। दूसरा भी चैनल है एक मेरा भारती भवन, भारती भवन
भारती भवन रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे रविकांत सर, और एक और तीसरा चैनल है रविकांत सर, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित जो भी आपको नोट्स डाउनलोड करना होगा आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पे जाएंगे, आप वहां सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हो आप कमेंट किया करो, वीडियो में कमेंट करके बताया करो, अपनी प्रॉब्लम को बताया करो, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।